क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए एब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। आवर सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो बशीरबाग रोड हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। नाजरीन, कल से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और हम भी ये समझे कि हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि ये खातून की आवाज उन जिम्मेदारों तक पहुँचाए जो सुनना ही नहीं चाहते। नाजरीन, दरअसल ये खातून का नाम है अफिया बेगम, जो मरहूम डॉक्टर नजर अली खान की बीवी है। इनका ये इल्जाम है कि इनका ये फार्म हाउस को कब्जा किया गया है, इनके बेटे के साथ मिलकर कुछ लोगों ने इनको परेशान कर रहे हैं। यानी अफिया बेगम के जो साहिबजादे हैं, वो एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी के दामाद हैं। और ये बताया जा रहा है कि इनकी ये प्रॉपर्टी पर इनको आने नहीं दिया जा रहा है और इनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। और इस पर शाहनवाज खान का भी नाम आ रहा है और उनके फर्जन जुबैर खान का भी नाम आ रहा है, क्योंकि ये लोग किंग्स ग्रुप से जुड़े हुए हैं और असदुद्दीन अवैसी के भी खास माने जाते हैं और जो भी प्रॉपर्टी का मसला होता है यही लोग देखते हैं। तो बहरहाल ये इल्जामात वो संगीन हैं जो इल्जामात ये खातून लगा रहे हैं। नाजरीन, कुछ साल पहले डॉक्टर मजर अली खान ने खुदकुशी कर ली थी। बंजर हिल पुलिस स्टेशन हुदूद एमएलए कॉलोनी में उनका मकान है, अपने ही मकान में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद से तहकीकात हुई, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों सुसाइड हुआ, क्या किसी का प्रेशर था या किसी का टॉर्चर मजर अली खान पर हो रहा था, ये सारी बातों को सामने आने नहीं दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से अफिया बेगम की प्रॉपर्टी से उनको हटाया गया है और उनको आने नहीं दिया जा रहा है, अब अफिया बेगम आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी ईमानदारी से ये भी तहकीकात करने की जरूरत है कि डॉक्टर मजर अली खान की मौत की वजह असल क्या है। बहरहाल एक माँ अपने बेटे के खिलाफ खड़ी रही और बेटे के ऊपर इल्जाम लगा रही है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इल्जामात कितने संगीन हैं। जहां पर हैदराबाद अब मशहूर हो चुका है सोशल मीडिया के नाम पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के नाम पर, गली गली पर एक रिपोर्टर आपको मिल जाएगा जो फेसबुक और यूट्यूब पे चलाने वाला। लेकिन जो मीडिया के नाम पर जो बड़ा धंधा बना के रखे हैं, जो मीडिया के नाम पर एक एसोसिएट बना के रखे हैं, ये बड़ा खतरनाक है। क्योंकि मीडिया की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि किसी की चापलूसी करे या किसी की गुलामी करे। मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि मजलूम की आवाज बने, गरीब की आवाज बने और उनकी आवाज बनकर उन लोगों तक पहुंचे जो जहां इनकी आवाज नहीं पहुंची जा सकती। ये मीडिया का काम है इंसाफ दिलाना, इंसाफ के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना, किसी भी मजलूम को, मजबूर को, गरीब को हक दिलाना। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि मीडिया के नाम पर हम बड़े पैमाने पर दलाली कर रहे हैं, मीडिया के नाम पर हम चापलूसी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज आहिस्ता आहिस्ता एतमाद उठता जा रहा है आम लोगों का। हर ईमानदारी से काम करने वाले रिपोर्टर्स को शक की निगाह से देखा जा रहा है। आने वाले टाइम में और ये हालत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शहर हैदराबाद में कई ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई ऐसे रिपोर्टर्स हैं, सहाफी हैं, जो पूरी ईमानदारी से, बेबाकी से काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चापलूसी करने वाले लोगों की वजह से ये पेशा बदनाम हो रहा है। ये पेशे को भी हमें बचाना है। बहरहाल अब देखना है कि ये मजलूम की आवाज क्या हुकूमत तक पहुंचेगी, ये मजलूम के साथ क्या इंसाफ होगा, या फिर इनके खिलाफ कोई साजिश रची जाएगी, कुछ अलग बयान आएंगे, अभी ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जरूरी है कि अफिया बेगम को इंसाफ मिले और जो अपने बेटे पर और किंग्स ग्रुप पर जो इल्जाम लगा रहे हैं उसकी तहकीक हो, ताकि अवाम को सच्चाई क्या है वो पता चले, वो सामने आए। मैं शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। Late Dr. Mazharuddin Ali Khan. This property at Gandipet, this farm belonged entirely to me, but I am not able to enjoy this property completely. Kuch land grabbers hai mere bete ke saath milke. ये दो बाउंसर्स को इधर रखे हैं और मैं है ना अंदर है ना नहीं सेफ फील कर रही हूँ एंड ये लोग ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ और ये पूरा कम्प्लीटली मेरा फार्म है और मेरे को हक है किसको मैं एम्प्लॉय करूं या किसको नहीं एम्प्लॉय करूं मेरे फार्म पे।
और ये मेरे बेटे को लेकर ये किंग्स ग्रुप वाले शाहनवाज और उनके बेटे जुबैर और नसीर है ना, मुझे हरास कर रहे और मेरी प्रॉपर्टी को जब्त करना चाह रहे। दिस इज द लॉ एंड ऑर्डर ओवर हियर। आई हैव कम विद अ पुलिस पेट्रोल कार, नारसिंगी पुलिस पेट्रोल कार के साथ मैं आई हूँ। SHO हरी कृष्णा रेड्डी में है ना, ये पुलिस वालों को भेजे हैं एंड ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। ये प्राइवेट लैंड है, कम्प्लीटली मेरे नाम पे है ये, और आई डो नॉट फील सेफ टू यूज माई फार्म विद दीज बाउंसर्स अराउंड।